बीपीसीएल है। हेलो, ठीक है, बीपीसीएल है और कौन से भाव पे लिया है आपने? मैंने लिया 313 में 70 शेयर। 70 शेयर 313 के भाव से। ठीक हाँ, है बोनस मिला मेरे को, एक शेयर पे एक शेयर फ्री। जी, बिल्कुल। और आपका हाँ, नजरिया क्या, डिविडेंड आप शॉर्ट टर्म पे देख रहे हैं या सर लॉन्ग टर्म पे देख? जी 8 महीने तक का विचार है, 6 से 8 महीना। और दूसरा एचपीसीएल है, ठीक है, एचपीसीएल का भाव बताइए, कितने पे लिया आपने? वो लिया हुआ है मैंने 360 पे 225 से, वो भी डिविडेंड मिला, एक पे एक फ्री। ठीक है, और इसमें भी आपका नजरिया 6 से 8 महीने का है? हाँ, तभी इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है। तो स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो सबसे पहले तो बीपीसीएल है, लिया है ये 316 के भाव के आसपास, वहाँ से कुछ 3% का नीचे की तरफ डाउन मूव दिख रहा है। दूसरा है एचपीसीएल का, यहाँ पर भी कुछ 8% की गिरावट नज़र आ रही है, और एचपीसीएल का भाव लिया है 360 रुपये पे। तो बताइए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, थोड़ा और नीचे गिरावट आ सकता है या यहाँ से थोड़ा सा ठहरना चाहिए? कंसोलिडेशन फेज में है। एंड अगर आप देखें तो डेली चार्ट में, मगर आप देखें तो 89 EMA का सपोर्ट ले रहा है काउंटर। हालांकि अपसाइड में जब यहाँ पे मोमेंटम आने के लिए 320 ये लेवल्स क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 320 क्रॉस होता है तो इसमें फिर से मोमेंटम आ जाएगा और जो रिसेंट हाईज है उसके ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। तो आई थिंक स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी के पास है तो होल्ड करने की ही सलाह होगी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 290 का लगा के इसमें बने रह सकते हैं। हिंद पेट्रोल की अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखा है, बट मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 315 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। अपसाइड में आपको जो लेवल वॉच करना है वो 340 का रहेगा। 340 अगर क्रॉस होता है तो फिर से इसमें थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आ जाएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते कि एटलीस्ट स्टॉक 360 362 के लेवल दिखा देगा।